हेलो एवरीवन वेलकम टू जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी आज अपन एमपी सीएचओ का मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करेंगे इसके अपन आंसर की को डिस्कस करेंगे जो कि अभी 17 अप्रैल 2022 को हुआ है 17 अप्रैल 2022 को दो शिफ्ट के अंदर ऑनलाइन पेपर हुआ है जो कि मेमोरी बेस्ड पेपर है बिकॉज़ वहां पे पेपर की जो हार्ड कॉपी है वो किसी को नहीं मिली थी अभी तक तो जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से तो अच्छे से याद नहीं है बट कुछ स्टूडेंट की हेल्प से कुछ क्वेश्चन है जो हमें मिल पाए हैं तो उसके बेसिस पे मैंने कुछ आंसर की तैयार किया आपके लिए जो कि हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो तो चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर वन हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेशन हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसका आंसर है ट्वेंटी जुलाई 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है क्वेश्चन नंबर टू रेबीज वैक्सीन मेकिंग कंटेन क्वेश्चन की एग्जैक्ट लैंग्वेज तो क्या थी बट उसमें पूछा गया था कि जो रेबीज वैक्सीन है वो किससे बनाई जाती है प्रिपेयर फ्रॉम किसलिंग स्ट्रेन ऑफ रेबीज जो रेबीज का जो किसलिंग स्ट्रेन तैयार किया जाता है और उससे क्या की जाती है रेबीज वैक्सीन को तैयार किया जाता है तो इसका ये राइट right आंसर है

जो बच्चा होता है एच इंफेक्टेड वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है और उस कंडीशन में लाइव वैक्सीन नहीं दी जाती और बच्चे की जो फर्स्ट वैक्सीन होती है वो क्या रहती है बीसीजी वैक्सीन रहती है जो कि एक तरीके से लाइव वैक्सीन होती है तो वो बच्चे को नहीं दी जाती है इंडिकेटेड रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर पेनफुल एंड डिजीज एक तरह से बोल सकते हैं कि पेनफुल और स्वेलिंग हुए हुए लिम्स है वो किस प्रकार की डिजीज के अंदर देखने को मिलते हैं तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फाइलेरियासिस फाइलेरियासिस के अंदर स्वेलो और पेनफुल लिम्स दिखाई देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव बोल रहा है नो ट्रू अबाउट डायबिटीज मिलाइटस यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से पूछा गया है कि इनमें से सही कौन सा नहीं है ऑप्शन ए बोल रहा है ऐसा कोई नहीं है कि वो आफ्टर थर्टी ईयर ही हो वो किसी भी एज ग्रुप में वैसे हो सकता है तो ये इससे रिलेटेड एक तरह से नोट ट्रू हो सकता है इसके अलावा थ्री पी सिम्टम्स तो इसके अंदर होते हैं जिसके अंदर दिखाई देता है, ओके, okay? तो वो थ्री पी सिम्टम्स होते हैं बट एग्जैक्ट इसके ऑप्शन और क्वेश्चन कास्ड बाई वायरस ये क्वेश्चन सेम इट इज आया था इसके अंदर पूछा गया था कि इसमें दो दो डिजीज के नाम दिए हुए हैं ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर बट इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जो कि दोनों के दोनों वायरस कोज डिजीज है

इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 एचसीएल हार्मोन एचसीएल हार्मोन सिक्रीটেড बाय विच पार्ट ऑफ स्टोमक स्टोमक से एचसीएल सिक्रीट होता है और वो स्टोमक के किस पार्ट से सिक्रीट होता है वो पूछा गया था तो दोस्तों जो स्टोमक के गैस्ट्रिक म्यूकोसा है जो उसके गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वहां पे जो पेराइटल सेल्स होती है वहां से एचसीएल सिक्रीट होता है और कौन सिक्रीट करता है गैस्ट्रिन हार्मोन हार्मोन की प्रेसेंस के अंदर एच सेल का सिक्रिशन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन डारक सर्किल एरिया अराउंड निपल एरियोला जो ब्रिस्ट होता है ब्रिस्ट के ऊपर जो निपल होता है फीमेल्स के अंदर तो निपल के अराउंड जो एरियोला वाला पार्ट होता है वहां पे डारेक्ट सर्किल बन जाता है और उस डारक सर्किल को अपन क्या बोलते हैं मोन्टगोमरी ट्यूबरकल एक वर्ड है एक टर्मिनोलॉजी वर्ड है मोंट ट्यूबरकल ऐसा प्रेगनेंसी के अंदर दिखाई देता है एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके अंदर दिखाई देता है माउंट गोमरी ट्यूबरकल जो ब्रिस्ट का जो निपल वाला एरिया है उसके बाहर की तरह कुछ ब्लैक ब्लैक इस तरीके से सर्किल टाइप के अंदर एरियोला वाले पार्ट के ऊपर डार्क कलर दिखाई देता है जिसको ऊपर माउंट कोमरी ट्यूबरकल बोलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है ड्रग ऑर्डर बारह सो एंड अवेलेबल डोज इज वन ग्राम इन टेन एम उ मेनील डोज गिवन एक पेशेंट को डोज प्रेस्क्राइब की गई है कितनी 1200 हंड्रेड एम जी बारह सो एम जी और अपने पास जो अवेलेबल डोज है अंदर वन थाउजेंड एम एम जी होता है तो एक हजार एम जी दस एम एल के अंदर है अपने सो एम जी देना है इसके अंदर बात करें तो वन एम एल के अंदर हंड्रेड एम जी है

और न्यूरोन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन माइलिन इनसीड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इन सिक्रीशन ऑफ की लेंगर हेन सेल्स होती है वहां से किस हॉर्मोन का सिक्रीशन होता है इसका राइट आंसर है इंसुलिन इंसुलिन का वहां से सिक्रीशन होता है जो कि अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है या फिर मेंटेन रखता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन मिजल्स sport, मिजल्स इन कोपलिक जो नाम की बीमारी होती है डिजीज होती है इसके अंदर कोपलिक स्पोर्ट बनते हैं बट पूछा गया कि कोपलिक सबसे पहले बॉडी के किस पार्ट पे होंगे इसका राइट आंसर होगा फेस फेस से स्टार्ट होते हैं और फिर बॉडी के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओके सेंट्री फ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन होता है मिजल्स के अंदर सेंट्री फ्यूगल सेंट्री फ्यूगल यानी सेंटर से पेरी की तरफ इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन टाइफाइड फीवर कोज बाई टाइफाइड फीवर किससे कोज होती है तो इसका राइट right आंसर होगा बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो है इसके द्वारा टाइफाइड है वो कोज होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच टाइप ऑफ पेल्विस इज ओवल ओवरसे वैसे देखे तो फीमेल्स के अंदर फोर टाइप्स की पेल्विक होती है फोर टाइप्स की पेल्विस होती है जिनमें से जो ओवल सेप्ड पेल्विस होती है वो किस प्रकार की पेल्विस होती है तो जो एंथ्रोपोइड पेल्विस होती है वो एक तरह से ओवल सेप्ड होती है और फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमनली ये पाई जाती है ओके एंथ्रोपोइड पेल्विस उसी प्रकार से जैसे एंड्रॉइड पेल्विस होती है एंड्रॉइड पेल्विस होती है वो हार्ड सेप होती है हार्ड सेप्ड होती है जो कि मोस्ट कॉमनली मेल के अंदर पाई जाती है ये किस में पाई जाती है मेल के अंदर पाई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन

नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीन बेल्स पालसी सिम्टम्स बेल्स पालसी के क्या सिम्टम्स होते हैं जिसको अपन फेसियल पालसी भी बोलते हैं इसको अपन अपनियल पालसी भी बोलते हैं इसका जो सिम्टम्स है वो होता है फेसियल पैरालिसिस इसके अंदर फेसियल पैरालिसिस हो जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि फेस की जो मसल्स है वो वीक हो जाती है मसल वीकनेस के कारण से फेसियल पैरालिसिस वहां पे दिखाई देता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोविंग ट्यूबरकुलर ड्रग नोट गिवन इन प्रेग्नेंट लेडी ऐसी कौन सी एटीटी है ऐसी कौन सी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि प्रेग्नेंट लेडी को अपन नहीं दे सकते ऑप्शन ए आइसोनियाजिड ऑप्शन बी रिफामपिसीन ऑप्शन सी पायराजिनामाइड ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिन तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो अपन किसी भी कंडीशन में प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देते हैं क्योंकि ये 8थ क्रैनियल नर्व को डैमेज करती है जिससे बच्चे के अंदर डीपनेस हो सकती है इसीलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है पे क्वेश्चन नंबर फॉलोइंग इज साइन ऑफ डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन के क्या क्या साइन हो सकते हैं ऑप्शन ए ड्राई माउथ ऑप्शन बी हाइपर टेंशन ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया ऑप्शन डी नन ऑफ द नो तो यहां पे जो ड्राई माउथ है ऑप्शन ए है वो इसका राइट right आंसर होगा बिकॉज ये डिहाइड्रेशन का साइन है इसके अलावा जो हाइपर टेंशन है है ये दोनों के दोनों ओवरहाइड्रेशन में देखने को मिलते हैं ओवरहाइड्रेशन के अंदर देखने को मिलते हैं हालांकि वहां पे डिहाइड्रेशन के साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था बट एग्जैक्ट क्या ऑप्शन थे वो वहां पे देखने को नहीं मिल पाया है तो ये ट्वेंटी क्वेश्चन है दोस्तों जिनको अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है इन क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हो सकता है ये श्योर क्वेश्चन नहीं है बिकॉज ये पेपर है वो मेमोरी बेस है इसमें कुछ चेंजेस है या फिर इनके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके वो क्वेश्चन जरूर बताएं जिससे कि आगे के जो किसी न किसी एग्जाम में भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक like भी जरूर करिएगा थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर